से दो चार हो रहे थे किसान और मजदूर, और इसलिए उम्मीद सरकार से थी कि इन्हें कुछ राहत सरकार दे सके, और इसलिए 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ खास सेक्टर में सशर्त छूट देने का ऐलान किया गया है। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर सरकार की तरफ से गाइडलाइन क्या जारी की गई है। गांव में संक्रमण का खतरा कम हो ये कोशिश है, फसल कटाई समय पर हो सकेगी। अब ये खेती से जुड़ी हुई कुछ छूट है, कुछ फायदे हैं जो किसानों के लिए हैं। कटी फसल की बर्बादी रुकेगी इससे। जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कृषि मजदूरों को काम मिल सकेगा। जो अब तक काम की तलाश में थे, लगातार परेशान हो रहे थे, कृषि से जुड़ी मशीनों का परिवहन किया जा सकेगा इस दौरान, यानी 20 अप्रैल के बाद ये कुछ रियायत है जो कृषि क्षेत्र में मिलेगी। उपज के समय पर सरकारी खरीद यहाँ पर संभव हो सकेगी। वही मंडी और गोदामों तक अनाज पहुंचेगा, जो अब तक पूरी तरह से बैन था, लेकिन अब ये सहूलियत दी जा रही है। कृषि संबंधी दुकानें खुलने से रोजगार भी मिलेगा यहाँ पर। तो वही मनरेगा मजदूरों को छूट के फायदे बता दें आपको, कृषि से जुड़े हुए मजदूरों को कि यहाँ पर उपलब्धता रहेगी, निचले स्तर पर रोजगार उपलब्धता रहेगी, उन्हें रोजगार मिल सकेगा ये कुछ छूट के बाद जो 20 अप्रैल के बाद लागू होगी। गरीबों को पैसे की उपलब्धता यहाँ पर होगी, जिन्हें जरूरत होगी उनके इस तरह से मदद की जाएगी। ग्रामीण स्तर पर भी विकास कार्य यहाँ पर कराए जाएंगे जिससे इन्हें काम मिल सकेगा। गरीबों में निराशाजनक माहौल को कम करना है, जिस तरह से लोग परेशान हो चुके थे इस 21 दिन के लॉकडाउन में, गरीबों में निराशाजनक माहौल को कम करना है ये कोशिश है, और इसलिए ये कुछ रियायत है जो 20 अप्रैल के बाद लागू की जाएगी कृषि और मंडी।